स्टूडेंट सीरीज लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन 1 को डिस्कस किया था एक्सरसाइज 6.2 की। आज हम इसके आगे फर्दर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। व्हाट इज कौन सी आपके पास एक्सेप्ट, तो आपके पास वैल्यूज क्या बन जाएगी 2:5 6:10 6:x। अब आपको बताएं किस तरह से इसको हमने सॉल्व करना है। प्रोडक्ट ऑफ मीन जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन, मीन कौन सी है 6 × 5 किसके इक्वल आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ये आपके पास मीन है ना और ये आपके पास एक्सट्रीम है, ये आपके पास 2 × x हो जाएगा। हमने x फाइंड कर दिया तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो x आपके पास कितना आ जाएगा 5 × 3। x आपके पास कितना आ गया 15। दोबारा देखें, देखें हमें तीन प्रोपोर्शन दी, तीन वैल्यूज दी गई, हमें फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करने को कहा गया। अब फोर्थ प्रोपोर्शन हमें नहीं दी, हमने खुद से अज्यूम किया कि फोर्थ वैल्यू अगर आपके पास x है तो प्रोपोर्शन आपने बना दी। ठीक है, पहली दो वैल्यू, पहली दो रेशियो की वैल्यू बन गई प्रोपोर्शन का साइन, और जो 6 और x वाली वैल्यू वो नेक्स्ट रेशियो का वैल्यू उसको बन गई। अब देखिए फार्मूला जो आपके पास प्रोपोर्शन का है वो है प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या है, मीन आपके पास क्या है 6 और 5 ये आ गया, एक्सट्रीम 2 और x। हमने फोर्थ वैल्यू फाइंड कर दी है, यानी x की जगह कौन सा नंबर हमें चाहिए कि ये प्रोपोर्शन इक्वल होना चाहिए। तो x को हमने सेपरेट करना है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहां जाके डिवाइड हो गया 2 × 2 × 2 × 3 × 6 5 × 3 मल्टीप्लाई का आंसर क्या आ गया आपके पास 15 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3
mean is equal to product of extreme. Mean का product extreme के product के equal होगा. अब mean आपके पास क्या है? X है. X into X. Extreme क्या है? 4 into 16. दो values एक जैसे तो power add हो जाती है. X का square क्या आ गया? 64. हमने x फाइंड करना है, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे. स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए, 64 का स्क्वायर आपके पास आ गया 8. तो x आपके पास क्या आ गया? 8. दोबारा देखिए, हमें मीन प्रोपोर्शन फाइंड करने को कहा है. मीन प्रोपोर्शन वो वैल्यू होती है जो आपके पास प्रोपोर्शन साइन के दोनों तरफ होती है और वैल्यू 8 होती है. अब देखिए, यहां पर मीन नहीं मालूम, हमने x सपोज किया मीन को, दोनों तरफ x हमने लिख दिया प्रोपोर्शन के. मीन का जो प्रोडक्ट होता है एक्सट्रीम के प्रोडक्ट इक्वल होता है. मीन का प्रोडक्ट क्या है? x और x क्या होते हैं? x का स्क्वायर. एक्सट्रीम का प्रोडक्ट आपके पास क्या है? 64 का कितना हो गया आपके पास? 64. हमें सिर्फ वो वैल्यू चाहिए, हमने x फाइंड करना है. स्क्वायर खत्म कर देते हैं, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ. 64 का स्क्वायर रूट 8, स्क्वायर और स्क्वायर रूट 8 दूसरे का इनवर्स होता है. आप उसमें कैंसिल हो गए, x आपके पास क्या आ गया? x आपके पास 8 आ गया. एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4. समर्थन स्टेट पे कितनी है? 2130. इफ इज टोटल वेज पूरे महीने की, उसकी जो पे है वो है 9230. हमने क्या फाइंड करने को फाइंड नंबर ऑफ डेज ही वर्क, हमने वो दिन बताने हैं जितना उसने काम. अब जो आपका रिलेशन बनेगा वो बनेगा डेज और जो सैलरी है या आर ऐसा डेज रेशियो आर. देखिए पहले कितने आपके पास डेज हैं? 6. कितनी अमाउंट है? 2130. दोबारा डेज हमने फाइंड करने, फाइंड नंबर आपसे, तो डेज एक्स हो गए और अमाउंट कितनी आ गई? 9230 आ गई. अब देखिए आपके पास 6 दिनों की अमाउंट 2130 और 9230 होती है टोटल डेज बताने. देखिए अमाउंट बढ़ रही है, जाहिर बात है जो नंबर ऑफ डेज है वो भी बढ़ेंगे. उसने ज्यादा दिन काम किया तो कितनी अमाउंट मिली है ना, तो ये आपके पास कौन सा रिलेशन आ जाएगा? ये आपके पास डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा. एक चीज अगर बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी. ये आपके पास कौन सा रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है. तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, x ओवर 6 इक्वल टू 9230 ओवर 2130. जहां से एरो स्टार्ट करेंगे वो वैल्यू आप ऊपर लिखनी है और जहां एरो एंड होगी वो वैल्यू आप लोगों ने नीचे लिखनी. अब x आपके पास क्या आ गया? 9230 मल्टीप्लाई बाय 6 ओवर 2130. अब 2130 पे 6 का टेबल कितने लाइन जाता है? तो ये आपके पास ये टेबल चला गया कितनी टाइम? 3-5 टाइम चला गया. अब
किसके आ गया, x किसके इक्वल आ गया, x आपके पास आ गया 9230/355। अब आपने इन वैल्यूज को आपस में सिंपलीफाई करवाने, वैल्यू बड़ी हो गई है, टू टाइम कह सकते हैं। और टू टाइम के लिए आ गई है 7103, टू में से वन गया आपके पास वन आ गए, ये टू और ये आपके पास जीरो, इसी तरह से आ चुके। अब इसको अपने दोबारा मल्टीप्लाई कर आपके चेक करें, आपके पास कितना आ गया 21। तो 6 10 चला गया आपके पास क्या आ गया 2130। तो आंसर आपके पास कितना आ गया 26। तो जो नंबर आपसे उसने काम किया है वो आपके पास कितने आ चुके 26 डेज उसने काम किया, उसे कितनी आवाज देंगे कि 9230। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतने ही, काफी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे फर्दर डिस्कस करेंगे।